हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:12 और 5 बजे की हमारी बस है चंडीगढ़ की। तो चलो जल्दी चलते हैं बस स्टैंड और अपने कार की डिलीवरी लेके आते हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, बस चलते हैं। तो सुबह सुबह हमने नहाया भी नहीं बिकॉज लेट हो गए थे, 4:30 हो चुकी है, सिर्फ आधा घंटा बाकी है। तुमने भी नहीं नहाया होगा ना। सुबह के 4:30 बजे हम पैदल पैदल जा रहे हैं बस स्टैंड की साइड और बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, गलियों में कोई नहीं है, सिर्फ मैं और ये, क्योंकि बाइक एक ही है तो टाइम लगता है ना, इसलिए हम पैदल पैदल निकल रहे हैं। एक्चुअली हम बस में इसलिए जा रहे हैं बिकॉज आते हुए फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, सीधा जो हमारी कार है वो चला के लिए आएंगे। जाते हुए थोड़ी दिक्कत होगी बस में, बट आते हुए बिल्कुल आराम से आएंगे हमारी इनोवा में। तो हम टोटल 7 जने हैं जो कि जा रहे हैं। पीयूसी कार आने वाली फाइनली, एक्साइटमेंट। तो चलो सही है, इसी बहाने हमारा मॉर्निंग वॉक भी हो गया, यूजुअली वैसे तो करते नहीं है, बट बस स्टैंड तक हो जाएगा। लेकिन हम बहुत तेज तेज चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट हैं। सीट मिल जाए यार बस, क्योंकि हम 7 जने हैं ना। वैसे मिल जाएगी सुबह सुबह सीट, सुबह सुबह कौन जाता होगा, खाली जाती हुई। लेकिन वो सिंपल बस है, हरियाणा रोडवेज, तो थोड़ी दिक्कत आएगी, बट कोई बात नहीं, सह लेंगे। बैठ 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 बैठ, पहले कौन बैठेगा। चलो चलो चलो, तो ये पापा जी टिकट ले रहे हैं एंड ये है हमारी बस। तो चलो, तो फाइनली हमको बस मिल गई है, 5 बजने में सिर्फ 7 मिनट बाकी है। तो गाइस पंगा हो गया, अभी हम जींद आए हैं और हमारी बस ख़राब हो चुकी है, अब पता नहीं कि दूसरी बस में जाएंगे। पूरी चंडीगढ़ का टिकट हमने कटवा लिया था, ये वाली बस है देखो ख़राब हो गई है। तो मेरे को नींद आ गई थी तगड़ी, उठना पड़ा। तो अभी 7 बजने वाले हैं एंड सुबह सुबह हमारा पोपट हो चुका है, वो भी बस स्टैंड पे। तो यहाँ पे दूसरी बस का वेट करते करते हमको आधा घंटा हो गया, कोई बस नहीं आ रही है। सही पोपट हो गया, सुबह 5 बजे निकले थे फिर भी लेट हो गया। अब देखते हैं कब मिलती है बस, कब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से अराउंड 5 घंटे और लगेंगे, 180 किलोमीटर है अराउंड, लेकिन हमको बस ही नहीं मिल रही है। हमारा अराउंड 1.5 घंटा वेस्ट हो गया यहाँ पे, बट चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को भी। लेकिन भूख, इतनी तगड़ी भूख लग रही है ना, क्योंकि सुबह से कुछ खा के नहीं आए हम। यहाँ से 5 घंटे बस में ट्रैवल करना है, 5 घंटे अपनी गाड़ी तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे चलना गाइस कोई आसान काम नहीं है, बिकॉज ऐसी फीलिंग आती है ना उल्टी वाली, आ रही है हल्की हल्की, बट स्टिल शूट करना है। तो फिर काफी टाइम वेट करने के बाद हमको बस मिल गई है फाइनली। तो गाइस सुबह से हालत खराब हो गई हमारी, बैठे बैठे 9:30 बज चुके हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे यहाँ से, 3-4 घंटे और लगेंगे शायद। ऊपर से इसने सिर रखा है मेरे पैर के ऊपर, मेरे पैर इतना दर्द कर रहे हैं ना, बस में से आवाज पता कैसे रही, खच 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 खच। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, अब पता नहीं कहाँ उतारेंगे, जहाँ भी उतारेंगे वहाँ से फिर हमको जाना पड़ेगा शोरूम में। 11:30 बजने वाले हैं, तो अराउंड 12 बजे तक पहुंचेंगे हम, एंड बस भी ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है यहाँ पे। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम हम चंडीगढ़ में आए हैं, वो भी अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए, और यहाँ पे मास्क जरूरी है, ये दिख रहा है, सबने डाल रखा है, बट आप भी मैंने भी मतलब वीडियो के लिए उतारा था बस, अब डाल लिया है। तो अभी गाड़ी आ रही है बट गाड़ी छोटी है, तो हमको थोड़ा जनों को ऑटो में जाना पड़ेगा। पापा जी और मामा जी आ रहे हैं ऑटो में, बाकी सब थूस गए यहीं पे। तो फाइनली 7 घंटे की ट्रैवल करके हम पहुंच चुके हैं, इनमें से कोई हमारी इनोवा है, यहाँ पे खड़ी है थी सारी, इनमें से कोई एक है हमारी, अभी डिलीवरी लेंगे, पहले पेपर वर्क करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, विश्वास नहीं हो रहा। तो हाँ, अब यहाँ बैठ के सुकून मिल रहा है, पीयूष एंड साहिल पापा जी वहाँ बैठे हैं, तो अभी फाइनली हम अपनी गाड़ी देखने वाले हैं। तो गाइज क्या कंफर्ट है गाड़ी में, मतलब लिटरली मज़ा ही आ गया। तो हमने 8 सीटर बुक की थी, इसलिए हमको ज़्यादा टाइम लग गया, अगर 7 सीटर होती ना तो जल्दी मिल जाती, उन्होंने ये रीज़न बताया, बट जो भी है
फाइनली गाड़ी आ चुकी है। अब क्या चाहिए, क्या कंफर्ट है यार, कंफर्ट देखो यार, मतलब इसमें तो मजा आ जाएगा, इसमें बैठ के ड्राइंग बना लो चाहे। सो गाइस ये देखो यहाँ पे भी हमारा चैनल खुला हुआ है, सौरव जोशी व्लॉग्स, एंड हम कोई भी व्लॉग देख सकते हैं यहाँ से, मतलब टोयोटा वाले जानते हैं हमको। एक चलाई देते हैं। Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. Like तो करो, like. मैं भी सुबह सुबह रेडी हो गया हूँ। ऐसा तो मतलब कितना अच्छा लग रहा है यार देख के, कि मतलब यहाँ पे भी पीयूष 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 पूरे चैनल पे पीयूष 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 ही है। कोई फोन में मेरा व्लॉग खोल ले, इतना अजीब सी फीलिंग आती है, इन्होंने तो इतने बड़े स्क्रीन पे खोल दिया। तो ये जो मेरे बैक साइड में खड़ी है ये है हमारी कार, अभी हम देख रहे हैं अच्छे से, सारे फीचर्स चेक कर रहे हैं कि क्या कुछ खराबी वगैरह तो नहीं है, कुछ डेंट वेंट तो नहीं है ना, कुछ स्क्रैच वगैरह तो नहीं है ना। तो ये जो सर है ना, इनको पूरी नॉलेज है क्योंकि इनके पास भी इनोवा है। तो अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, बिकॉज हम सुबह भी कुछ नहीं खा के आए, तो काफ़ी तगड़ी वाली भूख लग रही है। और अभी कुछ एसेसरीज भी लगवानी है ना गाड़ी में, तो वो भी लगेंगी, जैसे कि कैमरा हो गया और भी एक दो चीज़ें हैं। तो अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी 1:15 हो रहे हैं, तो अराउंड 3-4 बजे तक हमको गाड़ी मिलेगी अच्छे से, उसके बाद चलेंगे यहाँ से डिलीवरी लेके। फिलहाल खाना खाते हैं क्योंकि भूख लग रही है यार, सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या खाना जाएगा, चावल चावल खाएंगे, रोटी रोटी पहले, रोटी खाओ फिर चावल खा लो, ऊपर थोड़ा थोड़ा बैठने के लिए सही जुगाड़ है देखो खंबा। तो गाइस ये है मेरा न्यू सेटअप, देखो कैमरे से ज्यादा बड़ा तो माइक लग रहा है, भारी हो गया काफी इसके साथ मेरे, लेकिन क्वालिटी अच्छी है इस माइक की, बेस्ट माइक। भी मजा आएगा ना वीडियो, मजा तो आएगा, खाने की एक्साइटमेंट हो रही है गाड़ी की। एक ही देना बस, हम एक ही में से खा लेंगे। तो हमारी थाली आ गई, इसमें रोटी, राजमा, रायता, हरी सब्जी और सैलेड। चलो हमने एक ही थाली लिया, हम दोनों एक ही में से खा लेंगे, ठीक है। तो चलो खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, अच्छे से पेट भर चुका है, अब चलते हैं दोबारा शोरूम में और देखते हैं गाड़ी का कितना काम हुआ है, क्या हुआ है सिस्टम, क्योंकि हमको लेट हो जाएगा ना जाने में, अभी 2 बज चुके हैं। पीयूष को ये वाली दिलाएंगे, ये वाली चल बैठ के दिखा, पीयूष बैठ के दिखा, मत कर रहना दे, कहीं खींचेगा वो पूरी गाड़ी निकल जाएगी भाई। तो गाइस वेट करते खतरनाक वाली मेरे को नींद आ रही है, बट सो भी नहीं सकते, तो रास्ते में सोऊंगा आराम से, 10 बज जाएंगे रात को, उसके बाद फिर एडिटिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि सुबह व्लॉग डालना है ना। तो देखते हैं कब तक डिलीवरी मिलती है यार, पीयूष फोन में लगा हुआ आराम से। तो अभी सर ने एक आइडिया दिया कि गाड़ी की डिलीवरी हो रही है, इतनी मेहनत से लोग वेट कर रहे हैं, तो दो व्लॉग होने चाहिए। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, डिलीवरी वाला व्लॉग नेक्स्ट होगा तो वो आप देखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके जाना, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट व्लॉग देखना डिलीवरी वाला, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।